नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूँ ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिश्नोई स्थित नजीबाबाद की, जहां किसान सहकारी चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू हो चुका है। धार्मिक अनुष्ठान के साथ पेराई सत्र का प्रारंभ किया गया। पेराई सत्र में पहुंचे जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, पूर्व सांसद राजा भारतेंद्र सिंह को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। सभी ने संयुक्त रूप से विधि विधान के साथ हवन यज्ञ सम्पन्न किया। हवन में आहुति देकर पेराई सत्र की सफलता की कामना की। बैलगाड़ी स्वामी को माला पहनाकर एवं शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया और बैलों को भी माला पहनाकर एवं साफा पहनाया। सभी ने बटन दबाकर एवं फीता काटकर पेराई सत्र का शुभारंभ किया। उसके बाद नारियल फोड़कर एवं चैन में गन्ना डालकर पेराई सत्र शुरू किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया, शुगर मिल का उद्घाटन किया गया है और जिसका उद्देश्य है कि किसानों के द्वारा उत्पादित गन्ने को सही मूल्य मिल सके और उनके गन्ने की पेराई हो सके, और इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा कि सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से मिल चले और किसानों के हित का संवर्धन किया जा सके। वहीं पूर्व सांसद राजा भारतेंद्र सिंह ने कहा, आज बहुत अच्छा शुभारंभ हुआ है। सभी किसान और खुद माननीय जिला अधिकारी जी और SDM और पूरा प्रशासन यहाँ साथ रहा है और पहली बार हम देख रहे हैं कि मिल के जो शुरुआत करने में कोई भी चेन में आवाज़ नहीं आई है। ये बड़ा शुभ संकेत है कि काम बहुत बढ़िया से चल रहा है और निश्चित रूप से पहला कदम यही होगा कि इस मिल का विस्तार किया जाए। इस दौरान प्रधान प्रबंधक सुखवीर सिंह, मनोज कुमार सिंह, CEO गजेंद्र सिंह, गोपेश तिवारी सहित मिल अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।